हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और एक नई वीडियो में। आज मैं बताऊंगा कि कार 98 के लिए डिफ़ॉल्ट बेस्ट है या प्रीसाइज। आप सब बहुत प्लेयर को पता भी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट बेस्ट है या प्रीसाइज कार 98 के लिए। आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको कार 98 से फास्ट फायरिंग करना है तो उसके लिए आपको कार 98 के साथ बायोमेट्रिक स्कोप लगेगा। अगर आपको नहीं पता है कि बायोमेट्रिक स्कोप क्या है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यह है बायोमेट्रिक स्कोप। आप लोग के साथ भी यही होता होगा, जब कार 98 से फायर करते होंगे तो एम एनिमी के बॉडी में एक या दो बार ही लगता है, नहीं तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी लग जाता है, कहीं भी फायर हो जाता है। लोग देख सकते हैं आगे में एक एनिमी है, देखते हैं आगे में एनिमी है और उसको लग भी नहीं रहा है, ऊपर नीचे कहीं भी फायर हो जा रहा है। अगर आप साइज में कार 98 में बायोमेट्रिक स्कोप लगा के खेलेंगे तो तभी भी एनिमी को गोली नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं मेरा कार 98 है, पहले से बायोमेट्रिक स्कोप लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा पार्टनर आगे में है, कहीं कभी उसको गोली लग रहा, नहीं तो नहीं लग रहा गोली। अभी मैं कार 98 में बायोमेट्रिक के साथ डिफ़ॉल्ट में खेल रहा हूँ। मेरा पार्टनर आगे में देख सकते हैं, जिस ही मैं उसको गोली मार रहा हूँ, आप उसको डायरेक्टली गोली लग जा रहा है। अगर आप पहले स्कोप ऑन करते हैं तो एनिमी के ऊपर ऑटो एम नहीं होगा। अगर आप फिर से बिना स्कोप ऑन किए डायरेक्टली एनिमी के सामने फायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट जाके उसको गोली लग जाएगा और एनिमी इजीली किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से कार 98 के लिए डिफ़ॉल्ट बेस्ट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर आप अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।